दोस्तों मेरा YouTube चैनल टीचिंग पुल मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 14 लेने का प्रयास किया हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 में कई पार्ट्स हैं, पार्ट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। कह रहा है कि एक ताश की गड्डी है जो वेल सफल्ड है, बिल्कुल मिलाया हुआ है, मिक्स किया हुआ है। वेल सफल्ड का यही मतलब होता है, बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर देना, ठीक है। तो वेल सफल्ड कार्ड है, 52 कार्ड्स है जो वेल सफल्ड है, अच्छी तरह से मिलाया हुआ है। वन कार्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड को उसमें से निकाला जाता है। कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर। कह रहा है रेड कलर कि किंग आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो रेड कलर की किंग की बात कर रहा है। दोस्तों आपको मैंने इंट्रोडक्शन में ये बताया था कि टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। टोटल कार्ड्स 52 होते हैं जो दो कलर में डिवाइडेड होता है, एक रेड कलर में होता है और दूसरा ब्लैक कलर में, यानी कि आधे कार्ड ब्लैक और आधे कार्ड रेड होता है, यानी कि 26 कार्ड रेड और 26 कार्ड हमारे ब्लैक कलर की होती हैं। इस रेड कलर में दो तरह के शेप्स होते हैं, एक तो डायमंड की शेप्स होता है, मैंने इंट्रोडक्शन में खूब अच्छी तरह से बताया। दोस्तों आप हमारे मैंने ताश की गड्डी पर एक सेपरेट इंट्रोडक्शन बनाया हूँ, आप देखेंगे जाकर तो सेपरेट इंट्रोडक्शन में आपको ताश के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी, यानी कि प्लेइंग कार्ड के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो होता है हमारे रेड कलर के, एक तो डायमंड होता है, डायमंड होता है और एक होता है हर्ट होता है, ये दो रेड कलर की होती है। अब ब्लैक कलर में दो तरह के शेप्स होते हैं, एक होता है हमारा एक एस्पेड, ये होता है हमारा ये इस तरह से रहता है पूरा कलर किया हुआ, इसको ब्लैक से कर दें दोस्तों। तो दोस्तों 52 कार्ड्स में से ये 26 रेड कलर के होते हैं और 26 ब्लैक कलर के होते हैं। इस रेड कलर में हर्ट का दो तरह के चिन्ह होते हैं, दो तरह के सिंबल बना होता है, एक डायमंड का और एक हर्ट का। इस हर्ट वाले, ये जो हर्ट वाले कार्ड जो होंगे वो 13 कार्ड होंगे। हर्ट वाले कार्ड कितने होंगे, 13, 13 कार्ड हर्ट का होगा और 13 कार्ड डायमंड का होगा, 13 कार्ड स्पेड का होगा और 13 कार्ड आपको क्लब का होगा, ठीक है। तो 13, 13, 26, फिर 13 और 13, 26। इसमें एक तो एस होता है, उसके बाद नंबरिंग रहता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद जैक होता है, उसके बाद किंग होता है, KING किंग, उसके बाद क्वीन होता है, ठीक है। तो इस पे चूंकि जैक का फोटो बना होता है, पिक्चर बना होता है गुलाम का, किंग का फोटो बना होता है, क्वीन का फोटो बना होता है, इस सब में क्या होता है, फेस होता है, क्या होता है, चेहरा होता है, इसलिए इसको फेस कार्ड भी बोलते हैं। फेस कार्ड ये हुआ, फेस कार्ड ये हुआ और फेस कार्ड ये हुआ। फेस कार्ड क्यों बोलेंगे, क्योंकि इस पर गुलाम का एक फ़ोटो बना होता है और फिर किंग का फ़ोटो बना होता है और क्वीन का फ़ोटो बना होता है। तो ये जैक किंग क्वीन वाले जो है ना हमारे फेस वाले कार्ड हुए। तो देखो जो कार्ड इसमें है जिस नंबर वाले, वही कार्ड इसमें भी होगा।
13 कार्ड इसमें भी होगा सेम तरह से, तीन फेस वाले जैक किंग एंड क्वीन, ये हार्ट वाले भी जैक क्वीन क्वीन होगा, और डायमंड वाले में भी जैक जैक होगा, किंग होगा और क्वीन होगा, तो सब में फेस बना होगा, इसलिए ये फेस कार्ड है, ये फेस कार्ड है और ये फेस कार्ड है, ठीक है। इसमें भी एस होगा और 2 से लेकर 10 तक का नंबर होगा, सेम इसमें भी होगा 13 कार्ड, और सेम तरह के कार्ड होंगे, कि बस किसमें क्या बदल जाएंगे, ये चिन्ह, ये 13 यानी कि 13 कार्ड पे ये स्पेड का चिन्ह होगा, फिर 13 कार्ड पे ये क्लब का सिंबल होगा, 13 कार्ड पे डायमंड का सिंबल होगा और 13 कार्ड पे हार्ट का सिंबल होगा। तो दोस्तों अब चलते हैं थोड़ा क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर, किंग ऑफ रेड कलर बोल रहा है भाई मेरे, किंग ऑफ रेड कलर, तो रेड कलर का किंग कितने होंगे, देखो ये नहीं बोला है कि डायमंड या हार्ट, केवल रेड कलर बोला है, तो रेड कलर में तो ये भी है, हार्ट भी है और डायमंड भी है, तो एक एक रेड कलर का किंग इसमें है हार्ट वाले सिंबल में, और एक रेड वाले किंग कहाँ है डायमंड वाले में, तो टोटल रेड कलर के कितने किंग हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे ना, उसी तरह से ब्लैक कलर का किंग कहेगा, तो ब्लैक कलर में इसमें भी एक किंग होगा, स्पेड में भी और क्लब में भी एक किंग होगा, होगा ना। तो यहाँ कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर, केवल रेड कलर का बात कर रहा है, तो रेड कलर में हार्ट भी आता है और डायमंड भी आता है, यानी कि 2 किंग हो जाएगा ना रेड कलर की, हो जाएगा ना 2। तो क्वेश्चन नंबर ये क्लब यहाँ लिख दें, क्लब 13 कार्ड, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड किंग, रेड किंग कितने हैं, 2 ना, हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे, 2 रेड हो जाएगा ना, 2 रेड किंग, एक डायमंड में और एक हार्ट में, 2 हमारा फेवरेबल आउटकम है, और टोटल कितने पत्तों में से 2 रेड किंग है, टोटल 52 कार्ड्स में से है, तो टोटल आउटकम्स पॉसिबल आउटकम्स 52 है, 52 कार्ड में से 2 कार्ड निकालना ना, तो रेड कलर की कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, तो रेड कलर के तो हमारे 2 ही हमारे फेवर में आएगा ना, एक तो हर्ट का एक डायमंड का, तो ये देखो कट जाएगा, 2 × 2 = 26 × 52 कितना आया, 1/26, ये हमारा हो गया प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन नंबर 1 का। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में, इसको थोड़ा मिटा दें, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ, कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड, केवल फेस कार्ड की बात बोला है, ओनली फेस कार्ड बोला है, तो फेस कार्ड में कलर नहीं बोला है, कलर बोला है कहीं भी, कलर नहीं बोला है भाई, तो कलर यदि नहीं बोला है तो फेस कार्ड हमारे कितने हैं, फेस कार्ड किसको बोलते हैं, किंग जैक किंग क्वीन, जैक किंग क्वीन, जैक किंग क्वीन, सब में होगा ना, तो फेस कार्ड देखो इसमें कितने फेस कार्ड है, हार्ट वाले में 3 फेस कार्ड है, उसी तरह से डायमंड वाले में कितने फेस कार्ड होगा, 3, फिर स्पेड में कितने फेस कार्ड होंगे, 3, और फिर ये क्लब में कितने फेस कार्ड होंगे, 3, तो 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, तो 3 × 3 = 6 और 3 कितने हो जाएंगे, 9 और 3 कितने हो जाएंगे, 12, तो फेस वाले कार्ड कितने हो जाएंगे, 12 कार्ड हो जाएंगे ना, कलर की बात नहीं कर रहा है, केवल फेस कार्ड बोल रहा है, तो सब कलर मिला के, तो डायमंड वाले हर्ट वाले सब मिला के कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे ना, तो हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, 12, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड्स, तो फेस कार्ड हमारे कितने फेवर में है, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 हमारे पॉसिबिलिटी है, 12 कार्ड फेस वाले होते हैं, तो 12 हमारे फेवर में आ सकता है, लेकिन कितने में से, टोटल 52 कार्ड में से, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है, तो ये 2 से देखो कट जाएगा, 2 × 6 = 2 से ये कट जाएगा 26, फिर 2 से कट जाएगा, 2 × 3 = फिर 2 से कट जाएगा 13, टोटल कितना आ गए, 3/13, ये हमारा प्रोबेबिलिटी है,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू का। क्वेश्चन नंबर थ्री देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड बोला है, केवल रेड की बात किया है, रेड फेस कार्ड। तो रेड फेस कार्ड, एक हर्ट में भी रेड है, हर्ट में भी फेस कार्ड है ना, और डायमंड में भी, ये भी तो हमारा रेड ही कलर है ना, रेड कलर में हर्ट भी आता है, डायमंड भी आता है। ओनली यहाँ बोला ये रेड फेस कार्ड, रेड की बात कर रहा है। तो रेड हमें ये नहीं बोला है कि हर्ट का या डायमंड का, तो हमें हर्ट और डायमंड दोनों मिला कर फेस कार्ड लेना पड़ेगा। तो फेस कार्ड तीन इसमें हर्ट में है, तीन डायमंड में है, जो कि ये भी रेड कलर में होता है, ये भी रेड कलर में होता है। तो कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा ना, तो हमारा फेवरेबल आउटकम सिक्स हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड इक्वल टू कितने, तीन यहाँ रेड, तो छः हमारा फेवरेबल आउटकम है ना, तो सिक्स बाई कितने 52, टोटल 52 कार्ड में। तो ये देखो टू से कट रहा है, टू थ्री जा टू से 26, कितना आ गया आंसर इसका 3/26 आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चार लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर देखो, क्वेश्चन नंबर फोर में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर फोर में कह रहा है द फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द जैक ऑफ हर्ट। हर्ट की जैक पूछ रहा है, हर्ट में जैक की प्रोबेबिलिटी। देखो हर्ट यहाँ है, हर्ट में जैक कितने होते हैं, केवल एक होते हैं। तो हमारा फेवरेबल आउटकम हर्ट में जैक की कितनी है, एक ही बार तो आएगा हर्ट का जैक, तो एक ही चांस है मेरे को, तो वो फेवरेबल आउटकम हमारा चांस ही हो जाता है। तो जैक, हर्ट की जैक आने की एक ही चांस है ना, तो एक हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द जैक ऑफ हर्ट, द जैक ऑफ हर्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द जैक ऑफ हर्ट, एक ही चांस है ना हमारे 52 में से, तो 1/52। ठीक है दोस्तों, जैक की, हर्ट की जैक आने की एक ही है ना, हर्ट की जैक एक ही होता है, तो एक ही चांस है मेरे को, तो वो हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया टोटल में से 52 में से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर तक हो गया, अब इसको मिटा देते हैं, फिर 5 और 6 देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ए स्पेड, कह रहा है ए स्पेड, एक स्पेड की बात बोला है। स्पेड में ये 13 के 13 कार्ड है ना, स्पेड ये चिन्ना वाला कितने कार्ड है, टोटल के टोटल 13 कार्ड्स हैं स्पेड के। तो हमारे ये नहीं पूछा है कौन सी नंबर का कार्ड, कौन सी फेस का कार्ड, केवल पूछा है ए स्पेड माने स्पेड वाली कार्ड की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 13 कार्ड्स हमारे स्पेड की है ना, और 13 कार्ड क्लब की, 13 कार्ड डायमंड की, 13 कार्ड हर्ट की, केवल स्पेड की बात बोला है। इसमें ये नहीं बोला है कि एक का या दो नंबर या तीन नंबर या जैक या किंग या हर्ट, कुछ नहीं बोला, केवल बोला स्पेड। तो स्पेड में सब के सब आ जाएंगे ना, इसमें एक का भी आ जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जैक किंग क्वीन सब कार्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए स्पेड, कितने हो जाएंगे टोटल फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितने हैं, 13 कार्ड स्पेड के। स्पेसिफिक कार्ड नहीं बोल रहा है स्पेड में, स्पेड में कह रहा है केवल स्पेड की, स्पेड की 13 कार्ड है, 13 हमारे फेवर में आ जाएंगे टोटल कितने में से, 52 में से। तो 50 13 1 13 13 4 52 कितना आ गया, 1/4, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा भाई। ये क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 6 में क्या करा करा है द क्वीन ऑफ डायमंड्स, द क्वीन ऑफ डायमंड्स, डायमंड की क्वीन की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो डायमंड में क्वीन कितने होते हैं, एक ही क्वीन होता है ना, तो एक ही तो हमारे डायमंड में क्वीन है, तो एक ही फेवरेबल आउटकम हमारे हो जाएंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए
गेटिंग द क्वीन, गेटिंग द क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक ही डायमंड का क्वीन होता है, 1/52। ये हमारे आंसर हो गया। आई होप गाइज आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जो आने वाले होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे और आप वीडियो को पहले ही देख पाएंगे। दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अभी इतना ही पे हम वीडियो को क्लोज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहें।